ॐ श्री गुरुवे नमः श्री गणेशाय नमः श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्य नमः श्री नरसिंह देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंडित मनीष कौशल शास्त्री एक बार फिर आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 मई से 19 मई के सप्ताह की कि यह सप्ताह विभिन्न राशियों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है तथा किस प्रकार से शुभ एवं अशुभ फल देने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो कि हमारी तीसरी राशि तथा मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, तो यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। 13 मई से 19 मई का जो सप्ताह है, यह मिथुन राशि के लिए कुछ विशेष फल लेकर आ रहा है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि वह अपने पिता के साथ एक मित्रता का भाव बनाकर रखें, पिता के साथ सौम्य स्वभाव बनाकर रखें तथा पिता के साथ बातचीत करते हुए अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। वहीं यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रहने वाला है। और यदि आप वाहन आदि चलाते हैं तो वाहन चलाते समय शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन ना करें, क्योंकि यदि वाहन चलाते समय आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको अत्यधिक कठिनाई या किसी प्रकार की चोट आदि का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में भाई बहन, माता पिता, स्त्री आदि के साथ जिस प्रकार से आप यदि मधुर वाणी रखते हैं तो आपको पूर्णतः अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आप उनके साथ किसी प्रकार की कटु वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो आपके ही नुकसान का कारण बनेंगे। जो भी जातक इस समय विदेश यात्रा का विचार कर रहा है तो किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के संयोग के कारण आप विदेश यात्रा करने में सफल रहेंगे तथा वहाँ सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगे। तथा मिथुन राशि के जातकों के लिए जो इस सप्ताह करने वाला कार्य है, वह केवल गौ माता की सेवा करें, गौ के लिए रोटी एवं चारा आदि निकालें, वह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने पहले भी बतलाया, विभिन्न राशियों में बतलाया कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम अपनी वाणी में मिठास, मधुरता रखते हैं तो हमें किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यदि व्यक्ति की वाणी मधुर रहेगी तो उसका शत्रु भी उसके साथ कभी भी शत्रुता का भाव नहीं रखेगा। उसका शत्रु भी उसके साथ मित्रता का भाव रखकर उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए मैं 12 राशि के जातकों को केवल इतना ही कहता हूँ कि सभी जातक अपनी वाणी में मधुरता लाएं, अपनी वाणी में मिठास लाएं तथा अपने जीवन को एक विशेष ऊंचाई की ओर लेकर चलें। तथा इस सप्ताह यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत्र का जाप करते हैं तथा हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तथा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके जीवन में जो आलस्य आदि है वह दूर रहेगा तथा एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिस विशेष ऊर्जा को प्राप्त कर आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।